मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। साल 1991, मैंने प्यार किया को रिलीज हुए कुछ ही दिन बीते थे, कट्टू अमेरिका। एक लड़की ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखा। घर लौटी और माँ से कहा उसे कल इंडिया जाना है। माँ ने पूछा क्यों, तो जवाब आया मैं सलमान खान नाम के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। माँ को लगा बिटिया का दिमाग फिर गया है। कमरे में जाकर आराम करने का फरमान आया, मगर 9वीं में पढ़ने वाली ये बच्ची माँ की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह उसने पाकिस्तान में रहने वाले अपने पिता को फोन लगाया, कहा कि वो इंडिया में रहने वाले अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने बंबई जाना चाहती है। बहाने को बल देने के लिए ये भी जोड़ा कि वो ताजमहल देखने का अपना सपना पूरा करना चाहती है। पापा इमोशनल हो गए, कहा घर आओ, यहाँ से पापा बेटी साथ में बंबई चलेंगे। एक हफ्ता पाकिस्तान में गुजारने के बाद वो बच्ची, वो लड़की अपने पिता के साथ बंबई आई। पापा का बिजनेस था, इसीलिए एक होटल में चेक इन करवा कर वो पाकिस्तान लौट गए। हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं द मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग। आज हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसका नाम है सोमी अली। हमने सोमी की बात सलमान खान से जोड़कर, उनके नाम के साथ जोड़कर इसलिए शुरू की क्योंकि उनकी फिल्मी कहानी यहीं से शुरू होती है। अमरीका में एक 16 साल की पाकिस्तानी लड़की बंबई में सलमान खान तक पहुंची कैसे? सलमान की वजह से एक्टिंग में आई सोमी अली ने उनके साथ कोई फिल्म क्यों नहीं की? किस बात के लिए सोमी अली को डांटते थे सुनील शेट्टी? सोमी अली ने सलमान खान से शादी क्यों नहीं की? क्या सलमान ने सोमी का आइडिया कॉपी करके बनाया था बीइंग ह्यूमन? और आजकल कहां है सोमी अली और क्या कर रही है? आज हम सोमी अली की यही कहानी जानेंगे। सबसे पहले कौन है सोमी अली? सोमी का जन्म 25 मार्च 1976 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ। सोमी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कराची के ही कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से हुई। जब सोमी 12 की थी तब वो अपने माँ और भाई के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। 5 साल की उम्र में सोमी को उनके एक हाउस हेल्प ने पहली बार सेक्सुअली हैरेस किया था। आगे भी हादसे ऐसे उनके साथ कई बार हुए। इस बारे में उन्होंने पेरेंट्स से बात की। मम्मी पापा ने कहा ये बात किसी को नहीं बताना। संभवतः यही वजह रही कि सोमी की फैमिली यूएस शिफ्ट हो गई। खैर जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई तब सोमी मायामी के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद सोमी का एक ही मकसद था, सलमान खान के साथ शादी। कोर्स ऑफ एक्शन ये तय हुआ कि अब फिल्मों में जाना है ताकि सलमान खान तक पहुंचा जा सके। मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष के साथ पोर्टफोलियो शूट किया। जाहिर तौर पर गौतम को इस लड़की के अल्टीमेट प्लान के बारे में नहीं पता था। उन्होंने सोमी को बताया कि किस प्रोडक्शन कंपनी में जाकर उन्हें काम मांगना चाहिए। सोमी गौतम के बताए प्रोडक्शन हाउस पर पहुंच गए। संयोग की बात है ये कि उस दिन सलमान भी अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए उसी कंपनी के ऑफिस गए हुए थे, मगर दोनों की मुलाकात नहीं हुई। सोमी ने कंपनी की कास्टिंग एजेंट को अपनी तस्वीरें सौंपी और वापस होटल आ गई। कास्टिंग से जुड़े लोगों ने सोमी की फोटो देखी और उन्हें एक फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। ये फिल्म थी सलमान खान स्टारर बुलंद। इससे सोमी के इंडिया आने का मकसद पूरा होता हुआ नजर आने लगा। मगर आपको सोमी अली की फिल्मोग्राफी में बुलंद जैसी फिल्म नहीं नजर आएगी, नाम कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फिल्म शूट तो हो गई थी लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसीलिए लोगों को लगता है कि सलमान और सोमी ने किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। बुलंद की शूटिंग के दौरान सलमान और सोमी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के बनने के दौरान ही सलमान और सोमी प्रॉपर रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब किस बात के लिए सोमी अली को डांटते थे सुनील शेट्टी? बुलंद के रिलीज होने या नहीं होने से सोमी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंडिया फिल्मों में काम करने तो नहीं आई थी, मगर उन्हें इंडिया में बने रहने के लिए कुछ करना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, मगर वो इस प्रोफेशन को लेकर बहुत सीरियस नहीं थी। 1994 में रिलीज होने वाली अंत सोमी के करियर की पहली फिल्म बनी।
इसमें सोमी के को-स्टार थे सुनील शेट्टी। अपने एक इंटरव्यू में सोमी बताती हैं कि वो कभी डांस रिहर्सल के लिए नहीं जाती थी, वो सीधे शूटिंग के लिए पहुंच जाती जहां कोरियोग्राफर्स और दूसरे एक्टर्स को उन्हें पूरा स्टेप सिखाना पड़ता था। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, बर्बाद होता था। सोमी बताती है कि जब वो अंत फिल्म के गाने की शूटिंग कर रही थी तब सुनील शेट्टी उन पर नाराज हो गए क्योंकि सोमी की वजह से सुनील का समय खराब होता था। इस वजह से मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान भी सोमी से चिढ़ जाती थी। बकौल सोमी, मिथुन चक्रवर्ती इकलौते ऐसे एक्टर थे जो उनकी इन हरकतों पर गुस्सा नहीं करते थे। फिल्म यार गद्दार के गाने तुम ही तुम हो मेरी जिंदगी की शूटिंग चल रही थी। हमेशा की तरह सोमी बिना रिहर्सल किए सेट पर पहुंच चुकी थी, मगर मिथुन ने इसका तगड़ा उपाय निकाला। उन्होंने सोमी से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, सोमी तुम्हारा जब हो जाए आकर मुझे उठा देना। सोमी ने इसी प्रोसेस के तहत अपने करियर में तीसरा कौन, आओ प्यार करें, आंदोलन और माफिया समेत 10 फिल्मों में काम किया। अब इस बात पर सोमी खुद ही हैरान रहती है। उन्होंने पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में उन सभी हीरो लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उन्होंने अपने 8 साल लंबे फिल्मी करियर में काम किया था। सोमी ने उस इंटरव्यू में कहा, सलमान से लेकर संजय, सैफ, चंकी, गोविंदा, मिथुंदा और ओम पुरी जी, मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ कि आपको मेरे जैसे नॉन एक्टर के साथ डील करना पड़ा, खासकर मिथुंदा जिनके साथ मैंने 4 फिल्मों में काम किया। सॉरी सुनील, मैं वाकई बहुत बुरी डांसर थी। अब सोमी अली ने सलमान खान से शादी क्यों नहीं की? बुलंद में काम करने के दौरान सलमान और सोमी का जो रिलेशनशिप शुरू हुआ वो अगले 8 साल तक चला। उसके बाद दोनों अलग हो गए। लंबे समय तक उनके अलग होने की तमाम वजहें बताई गई मगर दोनों एक्टर्स ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अलगाव के तकरीबन 22 साल बाद सोमी से उनके अलग होने की वजह पूछी गई। इसके जवाब में सोमी ने कहा, सलमान ने मुझे चीट किया तो मैं उससे अलग हो गई, बस इतनी सिंपल सी बात है। 1998 में सलमान से ब्रेकअप के बाद सोमी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद वो वापस अमेरिका चली गई थी क्योंकि बकौल सोमी, सलमान के अलावा उनके पास मुंबई में रुकने का कोई और कारण नहीं था। सोमी ने अमेरिका जाने के बाद सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि वो 9वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई छोड़कर इंडिया आ गई थी। वो इस ब्रेकअप से अपना मन हटाने के लिए खूब पढ़ाई करने लगी। उन्होंने साइकोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। साथ ही उनके पास विक्टिम एडवोकेट होने का सर्टिफिकेट भी था। क्या सलमान ने सोमी का आइडिया कॉपी करके बनाया बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन? फ्लोरिडा के शहर मायामी में सोमी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उनके घर के बगल में एक बांग्लादेशी परिवार रहता था। एक दिन जब सोमी अपने घर से बाहर निकल रही थी तो उनकी नजर बगल वाले घर में रहने वाली महिला पर पड़ी। उस महिला के सर से खून निकल रहा था। बातचीत करने के दौरान पता चला कि वो घरेलू हिंसा का शिकार थी। पिछले 10 सालों से उसका पति उसे बुरी तरह पीट रहा था। उसके ससुर ने भी उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। सोमी उस महिला को पुलिस के पास ले गई, उसका तलाक करवाया, अपने पैसों से उसे घर खरीद कर दिया। ये सब करने के दौरान सोमी को ये रियलाइज हुआ कि न जाने और कितनी महिलाएं ऐसी ही मुश्किल जिंदगी जी रही हैं। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने 2006 में नो मोर टीयर्स नाम का एनजीओ शुरू किया। इस एनजीओ के तहत सोमी घरेलू हिंसा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं की मदद करने लगी। इस एनजीओ के बाद सोमी ने अपनी क्लोदिंग लाइन शुरू की। इसका नाम था सोमी डिजाइंस। अपनी क्लोदिंग लाइन की शुरुआत में उन्होंने एक टी शर्ट डिजाइन की। इस टी शर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ह्यूमन बीइंग। टी शर्ट पर बाकी बचे हुए स्पेस में तमाम धर्मों से जुड़े हुए सिंबल्स बने हुए थे। इस टी शर्ट का आइडिया ये था कि भले दुनिया भर में कई धर्म हैं मगर आखिर में हम सभी इंसान हैं। ब्रेकअप के बाद सोमी और सलमान अच्छे दोस्त थे। सोमी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब उनका एनजीओ आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तब उनकी मदद के लिए सलमान आगे आए थे। सलमान और उनके दोस्तों ने नो मोर टीयर्स को $1.5 लाख यानी कि तकरीबन 1.1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। 2007 में सलमान खान ने अपना फाउंडेशन शुरू किया। उसका नाम रखा गया बीइंग ह्यूमन। सलमान के इसी फाउंडेशन का नाम सुनकर ये कहा जाने लगा कि उन्होंने सोमी के फाउंडेशन का नाम कॉपी किया है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमी के किसी फाउंडेशन का नाम ह्यूमन बीइंग था ही नहीं, ये सिर्फ एक टी शर्ट का डिजाइन था। हालांकि ये कभी साफ नहीं हो पाया कि सलमान ने वो टी शर्ट वाले आइडिया से प्रेरित होकर ही अपने फाउंडेशन का नाम रखा था या किसी और वजह से।
सोमी से जब सलमान के फाउंडेशन के नाम और उनकी टी शर्ट वाले डिजाइन की समानता के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब था, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, यानी नकल करना किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। आजकल कहाँ है सोमी अली? तो 1997 में आई जितेंद्र और ओम पुरी स्टार और फिल्म चुप सोमी के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चली गई। अब गाहे बगाहे उन्हें इंटरव्यूज में देखा जा सकता है। आजकल सोमी फिल्मी दुनिया से दूर लोगों की जिंदगियां बेहतर करने का काम कर रही हैं। उनका फाउंडेशन नो मोर टियर्स अब तक कुल 900 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुका है। इसमें 300 लोग 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। सोमी के एनजीओ ने ऐसे 600 से ज्यादा बच्चों की मदद की है जो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार थे और उनका ये काम आज भी बदस्तूर जारी है। अप्रैल 2021 में सोमी का एक इंटरव्यू भयानक वायरल हो गया था क्योंकि उसमें सोमी ने सलमान से अपने ब्रेकअप और उनके साथ अपने संबंधों पर बात की थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि सलमान ने उनके साथ धोखा किया, इसलिए उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला लिया। साथ ही सोमी ने ये भी कहा, उन्होंने अपने 8 साल लंबे रिलेशनशिप में सलमान में एक भी ऐसी बात नहीं पाई जो उनसे सीखी जा सके। हालांकि वो सलमान के माता पिता सलमा और सलीम खान की खूब तारीफ करती हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने सलमान की माँ के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने सलमान से एक भी चीज़ नहीं सीखी मगर मैंने उनके मम्मी पापा से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। उनसे मिली सबसे बड़ी सीख मेरे लिए ये रही कि उन्होंने कभी किसी को उनके धर्म के आधार पर ट्रीट नहीं किया, वो सबको एक बराबर मानते थे। उनका घर सबके लिए खुला था, ऐसा लगता था कि उस घर में प्यार बह रहा है, खासकर सलमान आंटी से। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिल्मों में वापसी का इरादा रखती हैं, उसके जवाब में सोमी का ये कहना था कि जब वो बचपन में एक्टिंग नहीं कर पाई तो अब क्या हो सकता है। मगर वो जल्द ही एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में नजर आने वाली हैं, कैमरा के सामने आने वाली हैं। इस डॉक्यू सीरीज में ये दिखाया जाएगा कि नो मोर टियर्स लोगों को कैसे मुश्किल परिस्थितियों से निकालता है। सोमी अपने फैमिली के साथ अब फ्लोरिडा के मायोमी में रहती हैं। हालांकि अपने एनजीओ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो दुनिया भर में घूमती रहती हैं। आज की बातचीत यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉक। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।